जहां देखिए जल्द से जल्द रूस छोड़कर निकल जाए अमेरिकी नागरिक। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की है एडवाइजरी और अमेरिकी पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से अमेरिका अलर्ट हो चुका है, बड़े सवाल है। हालांकि रूस में अमेरिकी नागरिकों के लिए क्या खतरा बढ़ गया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। इंफॉर्मेशन वॉल पर इस तरीके से एक एक डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि अमेरिकियों को रूस छोड़ने की बात ऐसे वक्त में कही जा रही है। जहां सबसे पहले इस पर चर्चा से पहले जान लीजिए कि इस एडवाइजरी में आखिर क्या कहा गया है, क्योंकि रूस में जितने लोग मौजूद हैं, रूस में मौजूद अमेरिकी नागरिक तुरंत देश छोड़ दें, यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन की तरफ से कहा गया। पत्रकार की गिरफ्तारी पर वॉशिंगटन अब बेहद चिंतित हो चुका है। और यह भी देखिए, अमेरिकी एडवाइजरी में रूस में मौजूद लोगों को बाहर निकलने के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो भी रूस जाना चाह रहा है वो यात्रा को टाल दे। हालांकि यहां पर यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन की तरफ से कहा गया प्रेस की आजादी पर यह हमला किया गया है। और जिस तरीके से यह मामला सामने आया है उसके बाद अमेरिकी एडवाइजरी में रूस में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा पर संकट को दोहराया, ये बात दोहराई गई है कि यह संकट अब लगातार जा रहा है। और फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। सिविल सोसाइटी की आवाज दबाई जाने की कोशिश की गई है यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन की तरफ से इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कहा गया, जहां हमने देखा किस तरीके से बढ़ते संकट के तहत अमेरिकी एडवाइजरी में यह बात दोहराई गई कि अब लोगों को रूस, जो अमेरिकी नागरिक हैं उन्हें रूस छोड़ देना चाहिए और जो जाने वाले हैं वो अपनी यात्रा को टाल दें। हालांकि अपने नागरिकों में से ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी यूएस की तरफ से दोहराया गया है। लेकिन इस बीच रूस ने अमेरिकी जर्नलिस्ट को जिस तरीके से गिरफ्तार किया है और ये बयान आया है उसके बारे में लेटेस्ट इनपुट, जहां वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, अमेरिकी जर्नलिस्ट पर जासूसी के आरोप लगे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल जर्नलिस्ट को हो सकती है 20 साल की सजा। अब कोर्ट में गर्शकोविच ने खुद पर लगे आरोपों को हालांकि गलत बताया है, लेकिन पूरे मामले की जांच जारी है और इसके तहत 20 साल की सजा को लेकर भी बड़ी खबर है। अब इंफॉर्मेशन आपके सामने पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अब यह तनाव बढ़ता जा रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं और यूराल में डिटेन किए जाने के बाद ही मॉस्को की अदालत के फैसले के बाद यह गिरफ्तारी हुई। हालांकि रशियन स्टेट सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से आरोप क्या है जान लीजिए। इवान एक अमेरिकी डिफेंस कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन जमा कर रहे थे। हालांकि खास बात यह है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद रूस में विदेशी जर्नलिस्ट पर ऐसा यह पहला आरोप लगा है। अब कोर्ट लाते ले जाते समय भी जिस तरीके से गर्शकोव के सिर पर हुड लगी हुई थी, अमेरिकी पत्रकार के दोनों हाथ पीछे से बांधे रखे गए थे, उसको लेकर भी सवाल उठाया गया। अब गर्शकोविच का होगा क्या, ये एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि रूस में जासूसी की सजा 20 साल तक की कैद हो सकती है और रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इसको लेकर कहा गया वॉल स्ट्रीट के पत्रकार को पत्रकारिता से कोई लेना देना ही नहीं था। संजय सर, इस पर मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से यह मामला सामने आया है जाहिर सी बात है तनाव इसको लेकर अब और ज्यादा बढ़ता जाएगा। कोई शक नहीं, तनाव बढ़ेगा, क्योंकि रूस जो है हर हमेशा ये जो जासूसी ऐसे चिंतित रहता है और उनका ये कहना है कि यूराल माउंटेन में क्या कर रहा था, वह जासूसी ही कर रहा था और क्या कर रहा था उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे को लेकर के पिछली बार भी जब हुआ था तो रूस और अमेरिका के बीच में इन्होंने अपने बास्केटबॉल प्लेयर को रिलीज किया अमेरिकन और उन्होंने उनका आदमी रिलीज किया, तो ये भी इसी तरीके से लगाए रखेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे और एक तरीके से आगाह कर रहा है रूस, ये उसकी आंखें और निगरानी पूरे देश भर में है। अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो हम आपके जासूसों को पकड़ेंगे और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा 20 साल की सजा मिलने तक है, पर मुझे लगता है ये तो मैसेजिंग और एक तरीके से पोस्टरिंग है। अगर कुछ आगे होगा तो वो पकड़ करके दूसरे आदमी को छोड़ेंगे, लेकिन रूस चिंतित जरूर है अमेरिकन जासूसी से और इसीलिए ये इशू किया गया है एडवाइजरी वॉल स्ट्रीट जर्नलिस्ट के अरेस्ट के बाद ये सारे अमेरिकन रूस को छोड़ दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।